अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ारस चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, टेस्टी, मज़ेदार चिकन दम बिरयानी। आप भी ऐसी चिकन दम बिरयानी बनाना चाहते हो तो ये पूरे स्टेप्स को फॉलो करें, स्किप ना करें, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखें। चलें अब हम यहाँ पे रेसिपी शुरू करेंगे। यहाँ पे लेंगे 5 मीडियम साइज़ प्याज, इसको अच्छे से छील के धो लेंगे। अब इसको बारीक स्लाइसेस में ए शेप में अच्छे से कट कर लें। आप कोसे हो तो भी शेप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसे यहाँ पे कट कर लिया है। कट करके इसे अच्छे से स्लाइसेस को सेपरेट कर लें फ्राई करने के लिए। देखिए मैंने ऐसे स्लाइसेस को सेपरेट कर लिया है यहाँ पे, आप भी चाहे तो ऐसे सेपरेट कर लें। अब देखिए यहाँ पे हमारी प्याज कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हमारी प्याज फ्राई करने के लिए तैयार हैं। चलें अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई लें, कढ़ाई में प्याज फ्राई कर लें। इतना तेल डालें कि आपकी प्याज अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो जाए। तब तक ये फ्राई करें आपकी प्याज अच्छे से ब्राउन कलर में टर्न ना हो जाए। अब यहाँ पे हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको एक पेपर में निकाल लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सा ऑयल रहेगा, ऑयल इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा पेपर पे डालने से। यहाँ प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पे लेंगे गोश्त, यहाँ पे मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है 1/2 किलो। यहाँ पे लेंगे 1 टेबलस्पून नमक, फिर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून नॉर्मल वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें। अब यहाँ पे जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून। अब इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दें, मैंने यहाँ पे 3/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड किया हुआ है। अब थोड़ा सा क्रश किया हुआ कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून। अब यहाँ पे 1 लेमन का जूस डाल दें, डाल के अच्छे से मिक्स कर लें प्रॉपर तरीके से, सारे मसाले गोश्त में अच्छे से लग जाएं। अब इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ प्याज का तेल जो बचा हुआ था वो ऐड कर दें, और थोड़ा सा इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर दें। देखें टोटल यहाँ पे मैंने 4-5 टेबलस्पून तेल ऐड किया है। अब इसमें डालेंगे फ्रेश हरा धनिया, पुदीने के पत्ते थोड़े से ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। देखें आप अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो आप प्याज अच्छे से फ्राई कर लिया था वो इसमें 80% ऐड कर दें, क्रश करके ऐड करें, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। देखिए मैंने क्रश कर लिया है और अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। अब इसमें जाएगा 200 ग्राम दही डाल के अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करके इसे मैरिनेट होने के लिए 1/2 घंटा रख दें, 1/2 या 1 घंटा आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है 1/2 घंटे के लिए। अब मैरिनेट हमारा गोश्त हो चुका है 1/2 घंटे के बाद, अब हम इसको पका लेंगे। चले अब एक कढ़ाई लेंगे, यहाँ पे मैंने मोटी वाली कढ़ाई यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हमारा चावल या गोश्त जल ना जाए, इसलिए यहाँ पे ऐड कर दें 2 टेबलस्पून घी, और इसमें हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करके अच्छे से पका लें। 15 से 20 मिनट तक अच्छे से चला चला के पका लें। देखें अब अच्छे से इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते जाएं। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। देखें अब ऑयल रिलीज़ हो चुका है, हमारा चिकन भी अच्छे से पक चुका है। अब इसके फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पे एक बर्तन लें, इसमें बहुत सारा सा पानी ऐड करें। आप जितने चावल लेंगे उसके 3 गुना होता यहाँ पे पानी ऐड करें। अच्छे से इसे उबलने दें। अब उबाल आ चुका है, इसमें डालेंगे 4 इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, 6 से 7 लौंग, 2 चक्का और थोड़ी सी
ज़ीरा डाल के और इसमें दो हरी मिर्च ऐड कर दें। अब इसे अच्छे पकने दें। अब इसमें जाएगा आधा नींबू, नींबू का रस निचोड़ लें और इसमें छिलका भी डाल दें, इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा इसमें। अब इसमें एक टेबलस्पून तेल डालें क्योंकि हमारे चावल चिपक ना जाए। अब इसमें अच्छे से वॉश किए हुए चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो चावल लिया है, आधा किलो गोश्त के लिए आधा किलो चावल काफ़ी है। अब इसे अच्छे से उबलने दें। अब इसमें ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून नमक। आपका पानी इतना खारा होना चाहिए जैसे कि समंदर का पानी खारा होता है, वैसा खारा होना चाहिए, उतना नमक इसमें ऐड करें। अब हमारे चावल पक चुके हैं। यहाँ पे आपके चावल को 75% कुक कर लें। अब इसको निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने दें। आप चाहें तो इसमें जो डाले हैं कड़े मसाले वो आप निकाल सकते हैं, मैंने निकाल लिया है। अब हमारे चावल रेडी हैं। अब इसमें ग्रेवी में इसको ऐड कर देंगे। अब हमारे गोश्त में गोश्त को अच्छे से फैला लेंगे। अब इसमें डालेंगे चावल, थोड़े थोड़े करके चावल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। देखिए ऐसे करके डालें, सारे चावल को डाल दें, डाल के अच्छे से स्प्रेड कर दें एक लेयर। अब इसमें जाएगा तला हुआ प्याज। आप जो फ्राई कर लिया था प्याज उसमें थोड़ा सा बचा लिया था ना, वो यहाँ पे डाल दें। अब इसमें जाएगा पुदीना, पुदीना को भी ऐसे डालें, थोड़ा सा धनिया भी डाल दें इसमें, फ्रेश धनिया। अब इसमें जाएगा फूड कलर, यहाँ पे मैंने दो फूड कलर यूज़ किया है, येलो और ऑरेंज। थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसमें डाल दें। देखें हमारी बिरयानी अब दम होने के लिए रेडी है। यहाँ पे मैंने मोटा बर्तन यूज़ किया है, इसलिए मैंने नीचे दम होने के लिए तवा नहीं रखा है। आप चाहे तो रख सकते हैं, आप ऊपर एक हेवी ऑब्जेक्ट रख दें। मैं यहाँ पे पानी भर के एक तंबल रख दिया हूँ, इसे लो फ्लेम में 10 मिनट्स के लिए अच्छे से पका लें। अब हमारी बिरयानी बनकर तैयार है। चलें अब इसको अच्छे से सर्व कर लेंगे। ऐसे ही और भी मज़ेदार टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलें अब हमारी हैदराबादी दम बिरयानी सर्व करने के लिए तैयार हैं। चलें अब एक प्लेट में निकाल लें। देखें कितनी अच्छे से परफेक्ट तरीके से हमारी दम बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। अब ऐसे ही टेस्टी मज़ेदार रेसिपी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ऐसी रेसिपीज़ के लिए आप एक बार ट्राई करें, मुझे कमेंट करें बना के कैसी थी आपकी बिरयानी।